फरीदाबाद से खबर, जहां सेकेंड इंटरस्टेट म्यूजिक कंपटीशन का ग्रैंड फिनाले आज है और सतयुग दर्शन में ये आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, अंबाला, पानीपत के बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं और गुरुग्राम और फरीदाबाद के बच्चों ने भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा बने हैं इस पूरे कार्यक्रम का। सतयुग दर्शन ट्रस्ट में अलग अलग जिले से आए बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी है और साथ ही साथ सेकेंड इंटर स्टेट म्यूजिक कॉम्पिटिशन का ग्रैंड फिनाले है आज। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, ये म्यूजिक कंपटीशन और ग्रैंड फिनाले आज क्या तस्वीरें हैं? जरूर देखिए, आपको सभी सतयुग दर्शन ट्रस्ट में आज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ग्रैंड फिनाले म्यूजिक कंपटीशन का आयोजन यहाँ पर रखा गया था। तमाम जो अलग अलग जिले हैं, चाहे अम्बाला की बात करें, फरीदाबाद की बात करें या फिर भिवानी की बात करें, तो हर एक जिले से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस देने आए थे। मैं आपको बता दूं कि लगभग 1000 से 1500 बच्चों ने आज यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है और जो प्रथम और द्वितीय पुरस्कार भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिया गया है। प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए, द्वितीय कहीं ना कहीं जो की 8,000 के करीब और तृतीय पुरस्कार जो की 5,100 रुपए करीब यहाँ पर वितरित किया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा पटेल इस जानकारी के लिए। तो ये आज म्यूजिक कंपटीशन सतयुग दर्शन में ये आयोजन किया गया है और दिल्ली, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, अंबाला, पानीपत के बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सतयुग दर्शन में ये आयोजन किया गया और पूरी तरीके से, क्योंकि बच्चों की इसमें भूमिका नजर आई। दिल्ली हो, कुरुक्षेत्र हो, रेवाड़ी, अंबाला, पानीपत, इन सभी जगहों के बच्चे इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आए और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां सेकेंड इंटरस्टेट म्यूजिक कॉम्पिटिशन की ये तस्वीरें हैं और साथ ही साथ सतयुग दर्शन में इसका आयोजन किया गया। फरीदाबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और बच्चों की प्रतिभा आप इस कॉम्पिटिशन के जरिए देख सकते हैं कि कितने हुनर है उन बच्चों के अंदर, प्रतिभाशाली वो बच्चे हैं और जो उनके अंदर हुनर है, जो उनके अंदर क्षमता है, जो उनके अंदर जज्बा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर भी आता है, दिखता भी है। चाहे उनकी कला की बात हो, चाहे उनकी जानकारी जो पूरे समाज को लेकर हो उसकी बात हो, तो वो सभी चीज़ें इन तस्वीरों के जरिए नजर भी आती हैं। और जब ये ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं तो बच्चों के अंदर ना सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है बल्कि अपने अंदर की खूबियों को पहचानने का भी न सिर्फ युवाओं को मौका मिलता है, युवा पीढ़ी को मौका मिलता है, बल्कि इसमें हिस्सा लेने वाले जितने भी जो प्रतिभागी होते हैं उनके लिए एक मौका होता है।